श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तुला दान के लिए ये नितिन भैया मेरे बच्चे के लिए संकल्प करते हुए ये पूरा तुला दान देने की तैयारी हो गई है। इसमें देखिए ये तुला दान के लिए सारा सामग्री है। यहाँ पे दाल है, आटा है, चावल है, चीनी है और ये ठाकुर जी के दर्शन है। ठाकुर जी के दर्शन के बिल्कुल समक्ष ही ये तुला दान है और ये हमने यहाँ पे लिखवाया है मेरे बाके बिहारी भक्त परिवार। शुरू हो गई है मेरे बाके बिहारी भक्त परिवार के लिए और मेरे बाके बिहारी भक्त परिवार के साथ ही हैं अभी। ये देखिए ठाकुर जी के सामने बिल्कुल मेरे बाकी भक्त के लिए तुलादान। और ये तुलादान किस लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि दुर्वासा जी को जब कृष्ण भगवान जी रुक्मणी के साथ अपनी द्वारका नगरी के लिए उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा और उनको साथ लेकर आए और उनसे बिना पूछे उन्होंने जल ग्रहण कर लिया और कुछ खाने के लिए का दौर तो ऋषि दुर्वासा को ने श्री कृष्ण भगवान जी को श्राप दिया कि तुम्हें शायद अपनी द्वारका नगरी पे बहुत घमंड है तो तेरी ऐसी द्वारका नगरी पे ना तो खाने के लिए ही कुछ होगा और ना ही पीने के लिए कोई जल होगा। इसलिए पूरी द्वारका नगरी के अंदर दूर दूर तक ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। इसलिए एक ये कहा गया था कि जो भी यहाँ पे आके अपना तुला दान करेगा अपने शरीर के भार के हिसाब से देगा उसके सारे ग्रह भी उतर जाएंगे और लोगों को और ब्राह्मण भोज के लिए भी ये भोजन इकट्ठा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे तुला दान भी दिया जाता है, कुछ शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए दिया जाता है, कुछ उस शराब को दूर करने के लिए भी सब यहाँ पे तुला दान देते हैं और पीने के लिए रुक्मणी देवी जी के मंदिर में पानी के घड़े भी देते हैं क्योंकि यहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ऋषि दुर्वासा का श्राप था कृष्ण भगवान जी को। ये देखिए